प्रदेश के अलीगढ़ के ब्रज क्षेत्र में बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि महागठबंधन एक ढकोसला है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 74 सीटें जीतकर बुआ भतीजा की जुबान पर अलीगढ़ का ताला लगा देगी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मैं बुआ और बबुआ से कहना चाहूंगा कि तुम सब एक हो जाओ और राहुल बाबा को भी एक कर लो, लेकिन बीजेपी की 73 से 74 सीटें ही आने वाली है। वही कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि राहुल बाबा को ये तक नहीं पता कि आलू के जमीन नीचे होता है या फैक्ट्री में होता है, और वो किसानों की बात कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा हमारी सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा हेक्टेयर भूमि को मुक्त कराने का काम किया है। इन जमीनों पर सपा और बसपा की सरकार में अवैध रूप से कब्जा किया गया था। यूपी में भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। हाल ही में एक ही सपा तहसील के अंदर से 140 हेक्टेयर जमीन सपा बसपा के गुंडों से मुक्त कराई गई है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि अयोध्या में उसी स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। कांग्रेस और सपा बसपा के लिए यही कहना चाहूंगा कि हमारा स्टैंड तो साफ है, लेकिन अगर हिम्मत है तो ये राम मंदिर पर अपना एजेंडा साफ करें। जिसमें उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई है, दुश्मनों को जीत का जवाब पत्थर से दिया जाता है। अपने देश के दुश्मनों को जवाब अब तक सिर्फ 2 ही देश देते थे, लेकिन अब तीसरा नाम भारत का हुआ है। एनआरसी को लेकर शाह ने कहा कि इसे हटने के लिए सपा बसपा टीएमसी कांग्रेस सभी ने विरोध किया, क्योंकि देश की सुरक्षा इनके लिए कोई मतलब नहीं रखती। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा होने घुसपैठियों का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती रही है। देश के कोने कोने हमारे प्रदेश के प्रभारी केंद्रीय मंत्री माननीय जेपी नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, प्रदेश के सह प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय दुष्यंत गौतम जी, तो आपने 50 करोड़ रुपया 7,50,000 करोड़ रुपया किसानों को भेजने का काम इन भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, राहुल बाबा विरोध करते हैं। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि आपको राहुल बाबा